हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे पोकेमॉन फायर रेड को डिफीट करने का, लेकिन सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन्स का यूज करके। देखो, ये सुनने में तो काफी इजी लगता है बिकॉज पोकेमॉन फायर रेड इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पोकेमॉन फायर रेड में सिर्फ जनरेशन 1 के पोकेमॉन है और उसमें से भी काफी गिनी चुनी वाटर टाइप पोकेमॉन्स है। तो मुझे काफी सोच समझ के अपनी टीम बनानी पड़ेगी बिकॉज मेरे पास ऑप्शन ही ज्यादा नहीं है, एज वेल एज मैंने गेम को और डिफिकल्ट बनाने के लिए बैटल में पोकेमॉन हील नहीं करूंगा। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी बनती है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो गेम की शुरुआत में मैंने अपने कैरेक्टर को नाम दिया H2O, जिसका मतलब होता है वाटर। फिर मैं चला गया प्रोफेसर के पास बिकॉज मेरे को मेरा स्टार्टर पोकेमॉन चाहिए था। स्टार्टर पोकेमॉन में मैंने अपने स्क्वाटल को चूज किया बिकॉज वही इकलौता वाटर टाइप स्टार्टर था इस गेम का। और मेरे राइवल गैरी ने ऑब्वियसली बल्बसौर को चूज किया। इसे देखा जाए तो बल्बसौर को जीतना चाहिए था बिकॉज उसके पास टाइप एडवांटेज था, लेकिन लेवल 5 पे किसी के पास भी कोई टाइप वाला मूव नहीं था, और ऊपर से मैंने उसको टेल वेप कर करके उसका डिफेंस गिरा दिया था, तो मैंने उसको काफी इजीली हरा दिया। उसके बाद मैं सीधा चला गया विरिडन सिटी। रास्ते में मेरे को बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स मिले, तो मैं उनको हराते हराते चला गया। विरिडन सिटी पहुंच के मैंने सबसे पहले मेरे पोकेमॉन्स को हील किया। विरिडन सिटी के पोकेमार्ट में जाके प्रोफेसर ओक का पार्सल रिसीव किया और उनको डिलीवर कर दिया। फिर प्रोफेसर ने मुझे पोकेडेक्स दिया और मैंने गैरी के बहन से उनमें भी उठा लिया। मेरे पास पोकेबॉल्स आ चुके थे, लेकिन ऑब्वियसली मैं कोई पोकेमॉन पकड़ नहीं सकता अनटिल अनलेस वो वाटर टाइप है। गाइस ट्रस्ट मी, इनिशियली आपको कोई भी वाटर टाइप पोकेमॉन मिलेगा नहीं। फिर मेरी एंट्री होती है विरिडन फॉरेस्ट में, जहाँ पे बहुत सारे बग टाइप ट्रेनर्स होते हैं, और मेरे पास इकलौता मेरा स्क्वाटल था तो मैंने उसी का यूज करके सबको हरा दिया। और इन सबको हराने के बाद मेरे स्क्वाटल के पास भी काफी अच्छा खासा लेवल आ चुका था, जिसके कारण मुझे मेरे पहले जिम लीडर ब्रॉक को चैलेंज करने में कोई भी दिक्कत हुई नहीं। एक तो ऑलरेडी मेरे पास टाइप एडवांटेज था और ऊपर से मेरे पास काफी अच्छा खासा लेवल भी आ चुका था। इसका रिजल्ट यही हुआ कि मैंने उसके जीवडूड और ओनिक्स को दोनों को वन शॉट कर दिया। फिर मुझे असिस्टेंट के थ्रू मम्मी ने दिए हुए रनिंग शूज मिल गए, जिनको मैंने पहन लिया। फिर मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। वहां पे भी बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जो कि मेरे से बैटल करना चाहते थे, और मेरे पास एक ही पोकेमॉन था तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे उन सब से बैटल करनी पड़ी। जिसका रिजल्ट यही हुआ कि मेरा स्क्वाटल विकसित हो गया, अब वो बन चुका था वॉटर्टल। उसके बाद वॉटर्टल के अकेले दम पे मैंने पूरे माउंट मून को पार कर दिया। उस केव में बहुत सारे ट्रेनर्स थे जिनको मेरे साथ फाइट करनी थी, तो मैंने उनको फाइट करके हरा दिया। एज वेल एज वहाँ पे टीम रॉकेट के मेंबर्स भी थे जो कि पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन उनको भी मैंने हरा दिया। केव के एंड में मेरे को एक साइंटिस्ट मिला जिसके पास 2 फॉसिल्स थे, उसमें से एक वो मुझे देना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे उसको हराना पड़ा। तो उसके साथ मेरी फाइट हुई, तो उसके पास पहला पोकेमॉन था ग्राइमर, जिसको मैंने पहले बाइट मारा तो उसके पोकेमॉन ने बाइट को डिसेबल कर दिया, तो मुझे टैकल मार के उसको हराना पड़ा। उसका दूसरा पोकेमॉन था वॉल्ट्रॉप, जो कि ऑब्वियसली टाइप एडवांटेज रखता था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो बहुत उल्लू था और वो बस चार्ज कर रहा था, तो ऑब्वियसली वो बहुत इजीली हार गया। फिर उसका आखिरी पोकेमॉन था कॉफिंग, लेकिन ये पोकेमॉन बहुत हरामी था बिकॉज इसको मैंने वाटर रन मारा तो इसकी एचपी तो काफी कम हो गई थी, लेकिन इसने मेरे को इन रिटर्न में पॉइजन कर दिया था। वो तो अच्छी बात है कि गाइस मेरे पास एंटीडोट था जो कि मेरे को विरिडेंट फॉरेस्ट में मिल चुका था, नहीं तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाता। उसके बाद मैंने उसको हरा दिया और डोम फसल को चूज करके केव के बाहर आ गया। केव के बाहर मुझे 2 भाई मिले, इसमें से एक मेरे पोकेमॉन को मेगा पंच सिखाना चाहता था, दूसरा वाला मेगा किक सिखाना चाहता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं मेगा किक के लिए जाऊंगा, तो मैंने अपने पोकेमॉन को मेगा किक सिखा दी और आगे बढ़ गया। अब हम लोग आ चुके थे सेरुलियन सिटी के अंदर। एज ऑलवेज मैंने सबसे पहले मेरे पोकेमॉन को हील किया, पर गया तो गैरी वहां पे आके मेरे साथ बैटल स्टार्ट किया। चलेगा मैं गैरी को हरा दूंगा, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, गैरी बहुत बड़ा इंसान है बिकॉज उसके पास एक पिजियोटो था लेवल 17 का, उसको तो मैं काफी इजीली हरा दिया बाइट और मेगा किक का यूज करके। लेकिन जब उसने अपने स्टार्टर पोकेमॉन को निकाला, मेरी हालत बहुत खराब हो गई बिकॉज मैंने उसको बाइट मारा तो उसने मेरे ऊपर स्लीप पाउडर मार दिया, मेरा वॉटर टोटल उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसके ऊपर से उसने मेरे ऊपर लीड सीड मार दिया विदाउट एनी रीजन, मेरा वॉटर टोटल उसको एचपी दे रहा था, इसी के कारण मैं उससे हार गया। मुझे पता चल गया था कि मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा पोकेमॉन कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास एक ही पोकेमॉन था उस टाइम पे। मैं चला गया रूट 4 पे, वहां पे बहुत सारी ग्रास थी, तो वहां पे बहुत सारे पोकेमॉन भी मिले, उनके साथ मैंने फाइट की और उनको मैंने हरा हरा के अपने पोकेमॉन को लेवल अप कर दिया। ट्रेनिंग करने के बाद एक बार फिर से मैंने गैरी को चैलेंज किया। इस बार मेरा पोकेमॉन काफी ओवर लेवल हो गया था, तो मैंने उसके सारे पोकेमॉन को वन शॉट किल कर दिया। फिर मैंने चैलेंज किया अपने सेकंड जिम लीडर मिस्टी को, जिसके पास खाली 2 पोकेमॉन थे। उसका पहला पोकेमॉन था एक स्टारियू, जिसको मैंने 2 बाइट में हरा दिया। फिर उसका मेन पोकेमॉन था स्टार्मी, जो कि वाटर एंड साइकिक टाइप था, उसके सामने बाइट सुपर इफेक्टिव था, तो मैंने उसको भी 2 बाइट में हरा दिया और मेरा सेकंड जिम मैच हासिल कर लिया। फिर उसके बाद मैं सीधा चला गया बिल से मिलने। उसके घर पे गया तो देखा बिल पोकेमॉन बन चुका था, तो मैंने उसकी मदद की उसको फिर से इंसान बनाने में, और एज अ थैंक यू उसने मुझे SSN की टिकट दे दी। उस टिकट को लेके आ गया मैं सेरुलियन सिटी, जहाँ पे मुझे पता चला कि एक घर में चोरी हो गई है। तो मैंने घर को इन्वेस्टिगेट किया, अंदर मुझे टीम रॉकेट का बंदा दिखा, मैंने उसके साथ थोड़ी सी बैटल वगैरह की और उसको हरा दिया। फिर मैं चला गया सेरुलियन सिटी के नीचे
पहुंचे जहाँ पे मुझे एक अंडरग्राउंड पाथ मिला जिसने मुझे वर्मिलियन सिटी पहुंचा दिया। सिटी में आने के बाद सबसे पहले मैंने फिशिंग गुरु के साथ बात करके अपने लिए ओल्ड रॉड ले ली, जिसका यूज करके मैंने अपने टीम में सेकंड पोकेमॉन मैजिकअप को ऐड कर दिया। वो बस 5 लेवल का था तो ऑब्वियसली उसके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ी मुझे। उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे ट्रेनर बैटल्स करनी पड़ी। पोकेमॉन स्विच करते करते मैंने उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दे दिया और इवेंचुअली वो गैराडोस में इवॉल्व हो गया। अब मेरी टीम में गैराडोस आ चुका था। लगे हाथ मैंने पोकेमॉन फैन क्लब के मेयर की बैक स्टोरी सुन ली, जिसके रिटर्न में मुझे बाइसिकल वाउचर मिला, जिसको मैंने सेरुलियन सिटी के बाइसिकल शॉप में ट्रेड करके अपने लिए नई साइकिल ले ली। उसके बाद वर्मिलियन सिटी के पोर्ट से एसएसएन में एंट्री मार ली। शिप के ऊपर एक बार मेरी फिर से मुलाकात हुई गैरी के साथ और हमारी बैटल स्टार्ट हो गई। इस बार मेरी टीम में गैराडोस था तो बैटल थोड़ी सी इजी थी। मेरे गैराडोस ने उसके पिजियोटो, रेटिकेट और कडाबरा को हरा दिया। फिर गैरी ने अपने मेन पोकेमॉन आइवीसॉर को भेज दिया, जो कि लास्ट बैटल में बल्बसॉर था तो ऑब्वियसली वो विकसित हो गया। सेम ओल्ड स्ट्रेटजी यूज करके उसने मेरे गैराडोस को सुला के लीड सीड कर दिया, तो मुझे गैराडोस को हटा के मेरे वॉटर टर्टल को लाना पड़ा। फिर वॉटर टर्टल के एक मेगा किक में उसका काम खत्म हो गया। बैटल हारने के बाद गैरी वहां से चला गया और हमने कैप्टन की मदद करके उनसे एचएम कट ले लिया। फिर मैं सीधा चला गया चैलेंज करने थर्ड जिम लीडर लूटन एंड सर्च को। लूटन एंड सर्च के पास टोटल 3 पोकेमॉन थे एज वेल एज वो एक इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर था, जिसके कारण मेरे सारे पोकेमॉन उससे बहुत वीक थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उसको चैलेंज कर दिया। मेरे गैराडोस ने उसके पहले 2 पोकेमॉन वोल्ट्रॉप और पिकाचू को इजीली हरा दिया। फिर लूटन एंड सर्च ने अपना मेन पोकेमॉन राइचू निकाला, उसने मेरे गैराडोस को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन गैराडोस का ड्रैगन रेस यूज करके मैंने उसको भी हरा दिया और अपना थर्ड जिम मैच हासिल कर लिया। अब मेरे पास कट का एक्सेस तो आ ही चुका था। मैं सेरुलियन सिटी के राइट में रूट 9 पे चला गया। तब मेरे बहुत सारे ट्रेनर के साथ बैटल हुई और उससे मेरे दोनों पोकेमॉन को काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। फिर मैं पहुंचा रॉक टनल के यहाँ पे, उसके अंदर काफी अंधेरा था और मेरे पास फ्लैश एचएम था नहीं। मुझे ऐसे ही अंधेरे में केव को पार करना पड़ा। वहां पे भी मेरी बैटल बहुत सारे ट्रेनर से हुई, इतनी कि मेरा वाटर टर्टल ब्लास्टोइज में इवॉल्व हो गया। फिर पावर प्लांट को पार करके मैं पहुंचा लेवेंडर टाउन और सोचा एक बार पोकेमॉन टावर को क्यों ना विजिट कर लिया जाए। अंदर जाके देखा तो एक बार फिर से मेरी मुलाकात गैरी के साथ हुई और मुझे पता चला कि हमारे जो लास्ट बैटल एसएसएन के ऊपर हुई थी उसमें उसका रेटिकेट शहीद हो गया और उसी के लिए वो पोकेमॉन टावर आया था। तो फिर से हमारे एक बार फाइट स्टार्ट होती है। इस बार उसके पास टोटल 5 पोकेमॉन थे। स्टार्टिंग में उसका पिजियोटो आया जिसको मेरे गैराडोस ने 2 ड्रैगन रेज में निपटा दिया। फिर गैरी ने अपना गैराडोस निकाला जिसको भी हराने के लिए मेरे गैराडोस के 2 ड्रैगन रेज काफी थे। फिर आया तीसरा पोकेमॉन ग्रावलियस जिसको मैंने हराने के लिए ब्लास्टोइज का यूज किया। उसका फोर्थ पोकेमॉन था आइवीसॉर जिसको हराने के लिए एक बार फिर से मैंने गैराडोस को यूज किया और आखिर में उसका बेचारा पोकेमॉन कडाबरा था जिसका डिफेंस बहुत लो है, तो वो बेचारा गैराडोस के एक बाइट में चला गया। एक बार फिर से गैरी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मैंने अपनी टीम में पिजी को ऐड किया बिकॉज मुझे फ्लाई एचएम को कैरी करने के लिए कोई पोकेमॉन तो चाहिए था। एंड आई नो गैराडोस एक फ्लाइंग एंड वाटर टाइप पोकेमॉन होता है, लेकिन गैराडोस फ्लाई सीख नहीं सकता था तो मुझे पिजी को पकड़ना पड़ा। फिर लेवेंडर टाउन के लेफ्ट में मुझे एक अंडरग्राउंड पाथ मिला जिसका यूज करके मैं सीधा सेलेडॉन सिटी पहुंच गया। उसके बाद सबसे पहले मैंने फ्री ईवी को कलेक्ट किया एज वेल एज दादी के पास की टी भी ले ली, जो कि मुझे इवेंचुअली गार्ड्स को देनी थी ताकि वो लोग मुझे एक सिटी से दूसरे सिटी आने जाने से रोके ना। उसके बाद मैं सीधा चला गया सेलेडॉन स्टोर में, जहाँ पे मैंने वाटर स्टोन को बाई करके अपने ईवी को इवॉल्व कर दिया। अब मेरा ईवी वेपोरियन बन चुका था, लेकिन उसकी लेवल तो सिर्फ 25 थी, तो ऑब्वियसली लेवेंडर टाउन के लेफ्ट में मैंने बहुत सारे ट्रेनर से बैटल करना अवॉइड किया था, तो मैंने उनका यूज करके मैंने अपने वेपोरियन को ट्रेन कर लिया। फिर मैं सीधा चला गया जीवन से मिलने, जो कि अपने हाइड आउट में बैठा था, जो कि गेम कॉर्नर के नीचे था। ये मेरी और जीवन की पहली मुलाकात थी इस गेम में, तो ऑब्वियसली हमारी फाइट हुई। उसके पास 3 पोकेमॉन थे। उसका पहला पोकेमॉन था ओनिक्स जो कि गैराडोस के एक वाटर पल्स में चला गया। फिर उसका सेकंड पोकेमॉन आया रायहॉर्न जो कि सेम एक वाटर पल्स में चला गया। लेकिन जब जीवन ने अपना थर्ड पोकेमॉन निकाला जो कि था कंगसखान, उसको टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी गैराडोस से बाइट स्पैम करा कि मैंने उसको हरा दिया। जाते जाते उसने हमको डीवॉन स्कोप दिया जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि अभी बारी एरिका के साथ मिलने की। ऑब्वियसली हमारी फोर्थ जिम लीडर जो कि ग्रास टाइप थी, इसके पास सीधा सीधा एडवांटेज था मेरे पोकेमॉन्स के सामने, लेकिन फिर भी मैंने ब्रेवली उसके जिम में एंटर किया। जिम में एंटर करने के बाद मैंने थोड़े से शॉर्टकट यूज किए एरिका के पास जल्दी पहुंचने के लिए और हमारी बैटल स्टार्ट हो गई। उसके पास टोटल 3 पोकेमॉन थे। उसका पहला पोकेमॉन था विक्ट्रीबेल जिसको हराने के लिए मेरे वेपोरियन की एक अरोरा बीम काफी थी। उसके बाद आया उसका सेकंड पोकेमॉन टैंगेला, सेम रिजल्ट, एक अरोरा बीम और काम खत्म। लेकिन जो थर्ड पोकेमॉन था वो था वाइल्ड प्लूम, और आई डोंट नो सारे जिम लीडर्स के तीसरे पोकेमॉन थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हाँ इसको भी हराने के लिए मुझे 2 अरोरा बीम यूज करने पड़े, लेकिन इन दी एंड हम लोगों ने इसको हरा दिया। फिर सेलेडॉन के लेफ्ट में जो सीक्रेट हाउस था उसके अंदर से मैंने HM2 फ्लाई उठा लिया और अपने पीजी को सिखा दिया, सो वी कैन फ्लाई नाउ। उड़ के चला गया मैं लेवेंडर टाउन और पोकेमॉन टावर में मिस्टर फूजी को, जो बंदी बनाया था टीम रॉकेट ने, उनको बचा लिया। हाँ यहीं पे मुझे डिवॉन स्कोप का यूज करना पड़ा जो कि मुझे जीवानी ने दिया था। उनको बचाने के बाद मिस्टर फूजी ने मुझे पोकी फ्लोट दी जिसका यूज करके मैंने लेवेंडर टाउन के नीचे जाने वाले रास्ते को अनब्लॉक किया बिकॉज वहाँ पे एक स्नोरलैक्स हुआ था, तो पोकी फ्लोट का यूज करके मैंने उसको उठा दिया और भगा दिया। अब फाइनली मैं नीचे जा सकता था। उधर जाके सबसे पहले मैंने फिशरमैन से बात की और अपने लिए एक सुपर रॉड ले ली और सीधा चला गया पैलेट टाउन में और वहाँ पे सुपर रॉड का यूज किया। लेकिन मुझे जो पोकेमॉन चाहिए था वो आ नहीं रहा था, लेकिन बहुत टाइम ट्राई करने के बाद मुझे जो पोकेमॉन चाहिए था वो
फाइनली मिल गया जो कि था शेल्डर। उसको कैच करने के बाद मैंने वाटर स्टोन को यूज करके उसको क्लस्टर में इवॉल्व कर दिया। अब बारी थी मेरे दोस्त गैरी से मिलने की, लेकिन उससे मिलने के लिए मुझे थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ी, जैसे कि सैफ्रॉन सिटी में जाना और टीम रॉकेट के लोगों से लड़ना। उनसे लड़ने के बाद मेरी फाइनली मुलाकात होती है गैरी के साथ। गैरी के पास इस बार बहुत अच्छी टीम थी बिकॉज उसके सारे पोकेमोन ऑलमोस्ट मैक्स इवॉल्व हो चुके थे। उसका पहला पोकेमोन था पिजियोट, जिसको मैंने क्लस्टर से स्टार्ट की। क्लस्टर से मैंने स्पाइक्स यूज कराया बिकॉज मैं चाहता था कि उसका जो भी पोकेमोन आएगा उसको थोड़ा बहुत डैमेज मिले। फिर क्लस्टर का यूज करके आइसिकल स्पीयर स्पैम कर दिया, जिसका यूज करके मैंने पिजियोट को हरा दिया। फिर गैरी ने अपने सेकंड पोकेमोन वीनसोर को लाया, उसके लिए मैंने अपने गैरेडोस को आगे किया। वीनसोर को स्पाइक्स का थोड़ा सा बहुत डैमेज पड़ ही रहा था, एज वेल एज गैरेडोस का मैंने ड्रैगन रे स्पैम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके वीनसोर ने मेरे गैरेडोस को पॉइजन कर दिया, एज वेल एज उसने एक क्रिटिकल हिट भी मारी रेजर लीफ की। गैरेडोस मरने ही वाला था लेकिन मैंने अपना पोकेमोन स्विच किया। अब गैरी का गैरेडोस आ चुका था और मेरा वेपोरियन मैंने निकाल दिया था। गैरी का गैरेडोस मेरे ऊपर ड्रैगन रे स्पैम कर रहा था लेकिन वेपोरियन के पास बहुत ज्यादा हेल्थ थी। वेपोरियन का बाइट और क्विक अटैक यूज करके उसके गैरेडोस को हरा दिया। अब बारी थी मेरे ब्लास्टोइज और गैरी के ग्रावलित के बारे में। ऑब्वियसली मैंने बाइट और एक वाटर गन मार के इसको इजीली हरा दिया। अब गैरी का आखिरी पोकेमोन आया अलकेसाम, जो कि मेरा फेवरेट पोकेमोन है। उसको हराने के लिए मैंने वेपोरियन का बाइट यूज किया लेकिन वो वन शॉट हुआ नहीं, तो मेरे को दो बाइट यूज करने पड़े और मैंने गैरी को हरा दिया। फिर फ्री के लैप्रास को टीम में ऐड करने के बाद एक बार फिर से हमारी फाइट होती है जीवानी के साथ। उसके पास टोटल चार पोकेमोन थे। उसका पहला पोकेमोन था निडोरिनो, मैंने फिर से यूज किया क्लस्टर का और सामने वाले पोकेमोन के ऊपर स्पाइक्स डाल दिए। क्लस्टर के पास कोई अच्छे मूव थे नहीं तो मैंने सुपरसोनिक का यूज किया लेकिन वो हर बार फेल हो रहा था। फिर मैंने आइसिकल स्पीयर का स्पैम करना स्टार्ट किया और निडोरिनो को कैसे वैसे हरा दिया, लेकिन इन रिटर्न में निडोरिनो ने क्लस्टर को पॉइजन कर दिया। उसके बाद उसका पोकेमोन आया रायहॉन, जिसको स्पाइक्स का थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा लेकिन क्लस्टर जाते जाते रायहॉन को थोड़ा चिप डैमेज देके चला गया। उसके बाद मैंने अपने वेपोरियन को बुलाया और एक अरोरा बीम से रायहॉन को हरा दिया। उसका थर्ड पोकेमोन था कंगास खान, जो कि काफी ज्यादा बल्कि था। मेरे सारे मूव्स का उसके ऊपर ज्यादा कोई डैमेज हो नहीं रहा था और उसके कंगास खान ने मेरे वेपोरियन को मेगा पंच मार के हरा दिया। फिर मुझे अपने गैरेडोस का यूज करना पड़ा ड्रैगन रेज यूज करके कंगास खान को हरा दिया। उसका आखिरी पोकेमोन था एक नीडो क्वीन, तो गैरेडोस से हाइड्रो बम का यूज कराया और उसको हरा दिया। टीम रॉकेट तो वहां से चली गई थी लेकिन उसके मेयर ने खुश होकर मुझे एक मास्टर बॉल दे दी। अब इसका यूज मैं कहां पे करूंगा वो तो मुझे पता नहीं। उसके बाद मैं सीधा चला गया फोसिया सिटी और सफारी जोन में जाके मैंने एचएम सर्फ हासिल कर लिया। एट द सेम टाइम वहां पे गोल्डन टूथ भी था तो वो भी उठा लिया। उस गोल्डन टूथ को फोसिया सिटी के वार्डन को दिया तो उन्होंने मेरे को स्ट्रेंथ एचएम दे दिया। अब मुझे चैलेंज करना था फोसिया सिटी के जिम लीडर को, लेकिन उससे पहले मैंने अपने लेप्रास की ट्रेनिंग करा ली, एज वेल एज सफारी जोन में जो मुझे एचएम सर्फ मिला था वो मैंने अपने मोस्टली सारे पोकेमोन को सिखा दिया। लेप्रास की ट्रेनिंग करने के बाद मैंने सीधा चैलेंज कर दिया कोगा को, जो कि फोसिया सिटी का जिम लीडर था। उसका पहला पोकेमोन था कॉफिंग, जिसको मैंने लेप्रास के दो सर्फ में हरा दिया। फिर कोगा का दूसरा पोकेमोन था मक, तो उसके लिए मैंने क्लस्टर को बुलाया, क्लस्टर से स्पाइक्स डाल के उसको चेंज करा दिया और फिर ब्लास्टोइस को लाया। ब्लास्टोइस से सर्फ का स्पैम किया लेकिन उसके मग ने मिनिमाइज कर दिया तो मेरे अटैक मिस होना स्टार्ट कर दिए थे, एज वेल एज वाइपर पोशन का यूज करने लगा। इन दी एंड उसने मेरे ब्लास्टोइस को पॉइजन करके हरा दिया। फिर मेरे को मेरे वेपोरियन को बीच में लाना पड़ा और मक ने मिनिमाइज यूज करके खुद के एविजन को काफी बढ़ा दिया था, तो मेरे पोकेमोन के अटैक्स मिस होने लगे थे लेकिन फिर भी मेरे वेपोरियन ने उसको कैसे वैसे हरा दिया। फिर उसका तीसरा पोकेमोन कॉफिंग आया, उसको भी मेरे वेपोरियन ने एक सर्फ में हरा दिया। उसका आखिरी पोकेमोन था वीजिंग, जिसको हराने के लिए मुझे वेपोरियन के दो सर्फ लगे और इसके साथ मैंने कोगा को हरा दिया। कोगा के बाद बारी थी सबरीना की, तो उसको हराने के लिए मैं सैफ्रॉन सिटी चला गया और उसके जिम को चैलेंज कर दिया। सबरीना के पास टोटल चार पोकेमोन थे। उसका पहला पोकेमोन था कडाबरा, तो मैंने सेम स्ट्रेटजी यूज की, मैंने मेरे क्लस्टर को सामने रखा और स्पाइक्स यूज कर दिया और फिर क्लस्टर के साथ थोड़ा सा चिप डैमेज देने का ट्राई किया लेकिन कडाबरा ने मेरे क्लस्टर को हरा दिया। फिर मैंने अपने वेपोरियन को निकाला और बाइट से कडाबरा को हरा दिया। उसके बाद उसका सेकंड पोकेमोन आया मिस्टर माइम, जिसको हराने के लिए मेरे वेपोरियन को बाइट यूज करना पड़ा लेकिन उसने अपने पोकेमोन को फिर से हील कर दिया, तो वेपोरियन को फिर से बाइट यूज करना पड़ा जिसमें वो वन शॉट हो गया। उसका तीसरा पोकेमोन था एक वेनोमोथ, जिसको हराने के लिए मैंने बाइट यूज किया लेकिन बाइट सुपर इफेक्टिव नहीं था, तो बाइट और ऑरोरा बीम और क्विक अटैक ये तीनों अटैक का स्पैम कर दिया और उनको हरा दिया। उसका आखिरी पोकेमोन था अलकाज़ाम, जिसको हराने के लिए वेपोरियन का दो बाइट और एक क्विक अटैक लगा और इसके साथ सबरीना भी हार चुकी थी। उसके बाद मैं सीधा चला गया सीनाबार आइलैंड बिकॉज वहां पे हमारा 7 जिम लीडर होने वाला था, लेकिन उसका जिम लॉक था तो उसकी की हासिल करने के लिए मुझे पोकेमोन मेंशन में जाना पड़ा, जहाँ पे मुझे जिम की और सोलार बीम टीएम मिला, लेकिन ऑब्वियसली ये मेरे कोई काम का नहीं है बिकॉज मेरी टीम में तो सिर्फ वाटर टाइप पोकेमोन है। फिर चैलेंज किया मैंने ब्लेन को हमारे 7वें जिम मैच के लिए। उसका पहला पोकेमोन था ग्रावलित, मैंने सेम क्लस्टर को यूज किया स्टार्टिंग में और स्पाइक्स लगा दिए सामने वाले पोकेमोन के ऊपर लेकिन वो दो फायर ब्लास्ट में चला गया। उसके बाद मैंने अपने वेपोरियन को बुलाया और उसने एक सर्फ में ग्रावलित को हरा दिया। उसका दूसरा पोकेमोन था पोनिटा, वो भी बस वेपोरियन के एक सर्फ में चला गया। फिर उसने अपना तीसरा पोकेमोन निकाला जो कि
रैपिडैश, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो भी वेपोरियन के एक सर्फ में चला गया। लेकिन अब उसका आखिरी पोकेमॉन आया जो कि था आर्कनाइन, तो मैंने अपने ब्लास्टोइज को आगे कर दिया बिकॉज वो मेरा मेन पोकेमॉन है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे मेन पोकेमॉन का लेवल ही उसके मेन पोकेमॉन के लेवल से कम था। लेकिन इवेंचुअली मैंने आर्कनाइन को हरा दिया ब्लास्टोइज का यूज करके, सर्फ स्पैम कर दिया था मैंने। इसी तरह ब्लेन भी हार गया। ब्लेन को हराने के बाद मेरी मुलाकात होती है बिल के साथ। उससे मिलने के बाद मुझे पता चलता है कि उसको मेरी मदद की जरूरत है, तो एक अच्छे दोस्त की तरह मैं उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चला जाता हूँ, जहाँ पे मैं थोड़े से साइड क्वेस्ट पूरे करता हूँ और रिटर्न आ जाता हूँ। वहां से आने के बाद सबसे पहले मैं अपने टीम में अपना लास्ट मेंबर ऐड कर लेता हूँ जो कि था टेंटेकुल। उसके साथ ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी आखिरी जिम लीडर जियोवानी को चैलेंज करना था। गेम के हिसाब से मेरा आखिरी जिम मैच होने वाला था, तो मुझे लगा था कि मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन सीरियसली ये मेरी अब तक की सबसे इजीएस्ट जिम बैटल थी। मे बी बिकॉज मेरे पास इसके सामने टाइप एडवांटेज था। लिटरली इस बैटल में मेरे ब्लास्टोइज ने सारे पोकेमॉन को सर्व से हरा दिया और उसके बाद मैंने आखिरी जिम मैच हासिल कर लिया। सारे के सारे जिम मैचेस हासिल करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ पोकेमॉन लीग के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारी गैरी के साथ वहाँ पे मुलाकात होती है, हमारी वहाँ पे बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बार गैरी के पोकेमॉन सारे अच्छे खासे लेवल के थे। मैंने उसके सारे पोकेमॉन को वन शॉट किया, लेकिन बस उसका गैरिडोस था जो कि मुझे दिक्कत दे रहा था, उसको भी हम लोगों ने मिलकर हरा दिया। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये गैरिडोस मुझे आगे जाके बहुत दिक्कत देगा। उसके बाद विक्ट्री रोड को पार करने के लिए मुझे बहुत सारे बैटल्स करने पड़े, लेकिन उसके कारण मेरे पोकेमॉन अच्छे खासे लेवल हो गए थे। टाइम था एलीट फोर को चैलेंज करने का। तो सबसे पहले एलीट फोर थी आइस टाइप एलीट फोर लोरेलाय। उसके पास टोटल 5 पोकेमॉन थे। उसने स्टार्टिंग किया डिवगाउन के साथ और उसने हेल स्टार्ट कर दिया। मैंने भी क्लॉइस्टर के साथ स्पाइक्स लगा दिया। क्लॉइस्टर के साथ मैंने डिवगाउन को लगभग डिफीट कर ही दिया था, लेकिन उसने फुल रिस्टोर यूज कर लिया, तो मुझे मेरे लैपरास को बीच में लाना पड़ा और लैपरास ने उसको इजीली हरा दिया। फिर उसने अपना क्लॉइस्टर निकाला, तो उसको हराने के लिए मैंने वेपोरियन को निकाला बिकॉज क्लॉइस्टर का स्पेशल डिफेंस काफी कम होता है, तो मैंने उसको 2-3 सर्फ में हरा दिया। फिर उसका आया स्लोब्रो जो कि काफी बल्की था, एज वेल एज वो यॉन करके मेरे सारे पोकेमॉन को सुला रहा था, लेकिन गैरिडोस का इस्तेमाल करके मैंने उसको बाइट करके हरा दिया। एज वेल एज मेरे गैरिडोस के पास ड्रैगन डांस था, जिसका यूज करके मैंने मेरे गैरिडोस की स्पीड और अटैक काफी बढ़ा दिया। इसकी वजह से मैंने उसके आने वाले पोकेमॉन जिंक्स प्राकृतिक पोकेमॉन लैपरास को भी काफी इजीली हरा दिया। उसके बाद मेरी फाइट होती है ब्रूनो के साथ जो कि सेकंड एलीट फोर था। उसके पास 2 ओनिक्स पोकेमॉन थे जिसको मेरे क्लॉइस्टर ने बहुत इजीली हरा दिया, लेकिन उसके बाद ब्रूनो ने अपने हिटमॉनचैन को निकाला जिसने मेरे क्लॉइस्टर को हरा दिया। हिटमॉनचैन को हराने के लिए मैंने अपने टेंटाक्रूल का यूज किया और हिटमॉनचैन को हरा दिया। उसके बाद उसका हिटमॉन ली आया, सेम मेरे टेंटाक्रूल ने उसको हरा दिया। और उसका आखिरी पोकेमॉन था माचैम, जिसको हराने के लिए मुझे थोड़ा डिफिकल्टी लगी, लेकिन मैंने टेंटाक्रूल का बैरियर यूज कर करके मैंने उसका डिफेंस काफी बढ़ा दिया था, जिसके कारण मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली माचैम के सामने लड़ने में और टेंटाकुल ने फिर उसको भी हरा दिया। उसके बाद हमने चैलेंज किया तीसरी एलीट फोर एकेता को। उसका पहला पोकेमॉन था गेंगार, जिसको मेरे क्लॉइस्टर ने 2-3 सर्फ में हरा दिया। उसके बाद एकेता ने अपना सेकंड पोकेमॉन गोलबैट को भेजा, जिसको हराने के लिए मैंने अपने लैपरास का यूज किया और उसको आइस बीम से काफी इजीली हरा दिया। उसके बाद एकेता ने अपना तीसरा पोकेमॉन आरबॉक को निकाला, जिसको हराने के लिए अगेन मैंने क्लॉइस्टर का यूज किया और सर्फ से उसको भी हरा दिया। फिर एकेता ने अपने फोर्थ पोकेमॉन गेंगार को भेजा, जिसको हराने के लिए मुझे मेरे टेंटाक्रूल का यूज करना पड़ा। टेंटाक्रूल ने उसको अपने 2-3 बबल बीम में हरा दिया। और एकेता का आखिरी पोकेमॉन था एक हंटर, जिसको मेरे लैपरास ने बहुत हरा दिया। ये काइंड ऑफ मेरी सबसे इजी बैटल थी। अब बारी थी आखिरी एलीट फोर लांस को हराने की, और ऑब्वियसली उसके पास सारे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स होने वाले थे और मेरे पास आइस बीम का एक्सेस था, तो मुझे लगा कि ये मेरी इजी बैटल होने वाली है, लेकिन मैं गलत था बिकॉज उसने स्टार्टिंग किया गैरिडोस के साथ और उसके गैरिडोस ने मेरे क्लॉइस्टर और मेरे ब्लास्टोइज दोनों को हरा दिया। फिर मैंने अपने टेंटाकुल को निकाला, जिसके यूज करके मैंने उसको टॉक्सिक किया और समहाउ मैंने गैरिडोस को हरा दिया। गैरिडोस को हराने के बाद लांस ने अपना सेकंड पोकेमॉन निकाला ड्रैगन एयर, जिसको मैंने टेंटाकुल के मदद से पॉइजन करने का ट्राई किया, लेकिन ड्रैगन एयर की सेड स्किन एबिलिटी के कारण वो उसका पॉइजन हट गया और उसने मेरे टेंटाकुल को हरा दिया। लेकिन इसके बाद जो बैटल होती है वो काफी मजेदार थे बिकॉज मैंने ऑब्वियसली मेरे लैपरास को निकाला और उसके ड्रैगन एयर को एक आइस बे में वन शॉट कर दिया। उसके बाद लांस का तीसरा पोकेमॉन था एरोडैक्टल, जिसको मेरे लैपरास ने हाइड्रो पंप में वन शॉट कर दिया। उसका चौथा पोकेमॉन था एक ड्रैगनाइट जो कि लेवल 60 के था, लेकिन वो मेरे आइस टाइप मूव्स के सामने 4 टाइम्स ऊपर वीक था, तो मेरे आइस बीम ने उसको वन शॉट कर दिया। और लांस का आखिरी पोकेमॉन था एक और ड्रैगन एयर, जिसको सेम आइस बीम में वन शॉट कर दिया। अब तक मैंने सारी एलीट फोर को हरा दिया था, अभी बस बाकी था तो वो चैंपियन। और चैंपियन के टाइटल के लिए मैंने जो बैटल लड़ी थी वो काफी इंटरेस्टिंग भी थी। मैंने स्टार्ट किया क्लॉइस्टर के साथ, गैरी ने स्टार्ट किया था पीजीओट के साथ। मैंने क्लॉइस्टर का यूज करके उसके ऊपर स्पाइक्स लगा दिए और थोड़ा सा चिप डैमेज देके क्लॉइस्टर को विड्रॉ करके लैपरास को ला दिया, बिकॉज मुझे पता था गैरी यहाँ पे फुल स्टोर का स्पैम करने वाला है और अकॉर्डिंग टू रूल फुल स्टोर मैं यूज नहीं कर सकता था। उसके बाद मेरे लैपरास ने पीजीओट को एक
आइस बीम में वन शॉट कर दिया। गैरी का सेकंड पोकेमोन था राइडाउन, जिसको हराने के लिए लैपरास का एक सर्फ ही काफी था। लेकिन जो थर्ड पोकेमोन गैरी निकालने वाला था वो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत साबित होने वाला था, बिकॉज वो था उसका मेन पोकेमोन वीनसोर। वीनसोर ने आते ही सनी डे मार दिया और ग्रोथ का यूज करके अपना स्पेशल अटैक बढ़ाने लग गया। मुझे लगने लगा थोड़ा डर, तो मैंने अपने गैरेडोस को सामने लाया, लेकिन उसके वीनसोर ने एक सोलार बीम में मेरे गैरेडोस को खत्म कर दिया, इवन दो वो सुपर इफेक्टिव भी नहीं थी। लेकिन सनी डे और क्रोध का यूज करके उसने अपने सोलार बीम को इतना किलर बना दिया था कि उसने गैरेडोस को वन शॉट किल कर दिया। उसके बाद मैंने अपने वेपोरियन को निकाला, ये सोच के कि आई गेस इसको भी शहीद होना पड़ेगा। लेकिन तब तक सनी डे खत्म हो गया था, तो सोलार बीम अभी टू टर्न मूव बन चुकी थी। तो मैंने ट्राई किया वेपोरियन से उसको हराने का, लेकिन ऑब्वियसली उसने फुल स्टोर मार दिया। और जैसे ही उसका वीनोसोर मेरे वेपोरियन पे सोलार बीम मारने वाला था, मैंने मेरे क्लॉयस्टोर को आगे कर दिया। बेचारा शहीद हो गया, लेकिन वेपोरियन बच गई। अब मैंने निकाला मेरे लैपरास को, बिकॉज उसके सोलार बीम को दो टर्न लगने वाले थे और वीनोसोर के पास एचपी भी काफी कम थी, तो मैंने उसको एक आइस बीम में हरा दिया। उसके बाद गैरेन निकाला अपना फोर्थ पोकेमोन, जो कि मेरा भी फेवरेट है अलकजाम, और मैंने निकाला अपने ब्लास्टोइस को। लेकिन यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, मेरे से मूव गलत क्लिक हो गया, जिसकी वजह से मेरे ब्लास्टोइस को शहीद होना पड़ा। यहाँ पे मेरे को बाइट मार रहा था, लेकिन गलती से मैंने स्कल बैश यूज कर लिया। तो ब्लास्टोइस फ्रेंड होने के बाद मैंने अपने टेंडाक्रूल को निकाला, फिर मैंने उसको टॉक्सिक कर दिया, लेकिन उसके अलकजाम ने मेरे टेंडाक्रूल को हरा दिया। फिर मैंने अपने वेपोरियन को निकाला और अलकजाम को हरा दिया। अब मेरी टीम में खाली दो पोकेमोन बाकी थे, जो कि थे लैपरास और वेपोरियन, और जिनकी हेल्थ भी पूरी नहीं थी। और गैरी के पास भी दो पोकेमोन बाकी थे। गैरी ने अपना पांचवा पोकेमोन निकाला गैरेडोस, और मैंने अपने लैपरास को आगे कर दिया। लेकिन गाइस उसके गैरेडोस ने थ्रैश मार मार के मेरे लैपरास को हरा दिया। इन रिटर्न में लैपरास ने भी काफी सारे बॉडी स्लैम मारे, लेकिन उसका डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। बट गैरेडोस ने जो थ्रैश मारे थे उसके कारण वो कंफ्यूज हो गया, और जब मैंने अपने वेपोरियन को निकाला, जो कि मेरा आखिरी पोकेमोन था यहाँ पे, उसने खुद को हर्ट कर लिया और वेपोरियन को एक चांस मिला गैरेडोस को हराने के लिए, और वेपोरियन ने वो चांस उठा के उसको सर्फ में हरा दिया। अब गैरी का आखिरी पोकेमोन बाकी था, जो कि था एक आर्कनाइन। यहाँ पे जाके मुझे सांस में थोड़ी सांस आई, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास टाइप एडवांटेज था, इवन दो उसके पास काफी एचपी थी, लेकिन फिर भी मेरे वेपोरियन ने उसको हरा दिया। और इसी के साथ हम लोगों ने वाटर टाइप के साथ पोकेमोन फायरेड को डिफीट कर दिया। तो गाइस प्लीज मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पीस आउट।